हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ ऋतु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें हम अभी अपना टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के बारे में। ये क्या होती हैं? ऐसे रिएक्शंस जिनमें किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या फिर किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ऐसी सभी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो क्या है ये? ये ऐसी रिएक्शंस हैं जहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। कैसे? जैसे एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। सपोज़ कीजिए हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को रिएक्ट कराया है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म वाटर। ठीक है, ये हमारी एक रिएक्शन हो रही है। बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो यहाँ हमें क्या दिखाई देगा, ऑक्सीजन 2 चाहिए और हाइड्रोजन हो गए अब 4, तो यहाँ हमने लगा दिया 2। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि ये जो हाइड्रोजन है क्या था, H2, इसमें क्या हो रहा है, अब ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है और हाइड्रोजन किस में चेंज हो गई है, हाइड्रोजन चेंज हो गई है H2O यानी वाटर में, है ना। तो पहले हमारे पास H2 थी हाइड्रोजन और अब क्या बन गया, H2O यानी ये ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है हाइड्रोजन में। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, हाइड्रोजन में एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड अप हो गई है। अब क्योंकि इस रिएक्शन में हमें दिखाई दे रहा है कि किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड अप हुई है, यानी ये कैसी रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में हो रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और देखोगे कि ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ऐड हो रही है, तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो ऑक्सीजन को, जो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन दे रहा है, वो कौन सा सब्सटेंस हमें दिखाई दे रहा है, ये जो O2 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये वो सब्सटेंस है जो इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, जो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड अप कर रहा है। या दूसरे अगर हम वर्ड्स में कहें तो ये O2 ऐसा सब्सटेंस है, ये ऑक्सीजन ऐसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या है, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है या दूसरे सब्सटेंस में से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, ये जो ऑक्सीजन है ये वो सब्सटेंस है जो इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है। तो ऑक्सीजन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और क्योंकि इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है तो इस हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये है हमारी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमने लिया है लेड ऑक्साइड, ठीक है, लेड ऑक्साइड लिया है और हम उसको रिएक्ट करा रहे हैं कार्बन के साथ। तो ये रिएक्ट करके हमें दे रहा है लेड प्लस CO2। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको, तो हमारे पास क्या आएगा, ऑक्सीजन हमें 2 चाहिए तो 2 लगा देते हैं, यहाँ पर लेड 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगा देते हैं, तो ये हो गई बैलेंस। अब यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो कार्बन है, पहले क्या था, यहाँ सिर्फ कार्बन था, अब कार्बन किस में चेंज हो गया, कार्बन चेंज हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस कार्बन में हमें दिखाई दे रहा है कि इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड अप हो रही है ना। कार्बन में ऑक्सीजन ऐड अप हुई तभी तो कार्बन CO2 में चेंज हुआ। तो यानी कार्बन का क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है कार्बन में एडिशन ऑफ
ऑक्सीजन, तभी तो ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है। अब कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कार्बन में ऑक्सीजन एडअप हो रही है, तो वो ऑक्सीजन इसको दे कौन रहा है? वो ऑक्सीजन इसको दे रहा है ये लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड के पास ही तो ऑक्सीजन हमें दिखाई दे रही है, तो वो ऑक्सीजन कार्बन को दे रहा है, या हमें दिखाई भी दे रहा है कि लेड ऑक्साइड किस में चेंज हो गया है, लेड में, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। और वो ऑक्सीजन किसने ले ली है? वो ऑक्सीजन ले ली है कार्बन ने। तो ये जो लेड ऑक्साइड है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमें दिख रहा है कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? लेड ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और वो रिएक्ट कर रही है क्लोरीन के साथ में, और बन रहा है सल्फर प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, बैलेंस करते हैं इसको, क्लोरीन दो दिखाई दे रहे हैं तो दो होने चाहिए, हाइड्रोजन टू हो गए, सल्फर वन हो गया। ठीक है, बैलेंस हो गई। यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ आपको दिखाई दे रहा है पहले हमारे पास क्या था? H2S था। ठीक है, अब वो H2S किस में चेंज हो गया है? वो चेंज हो गया है सल्फर में, S में, यानी इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन अगर हो रहा है तब भी हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है? H2S, क्योंकि S में चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी H2S का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। कैसे पता चला हमें? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि H2S में से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन ही होता है। H2S में से हाइड्रोजन रिमूव की किसने? किसने ले ली इसकी हाइड्रोजन? इसकी हाइड्रोजन ली है इस क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने ली है इसकी हाइड्रोजन। तो इसका मतलब क्या है? इस क्लोरीन को अब हम क्या बोलेंगे? ये है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये जो क्लोरीन यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन दे रहा है या फिर हाइड्रोजन को ले रहा है, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है इसमें से। तो इसकी हाइड्रोजन को किसने लिया है? क्लोरीन ने लिया है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है क्लोरीन किस में चेंज हो गई? HCl में हाइड्रोजन ले लिया इसने। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है H2S में से, इसका मतलब ये H2S को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर है क्लोरीन। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं उसको। तो हमने क्या किया? हम कॉपर ऑक्साइड लिया, ठीक है, सॉलिड, और उसको रिएक्ट कराया हमने हाइड्रोजन गैस के साथ। तो हमें क्या बनता हुआ दिखाई दिया? हमें बनता हुआ दिखाई दिया कॉपर बन रहा है सॉलिड, और साथ में बन रहा है वाटर, जो कि है लिक्विड। ठीक है, क्या आपको यहाँ पर किसी का ऑक्सीडेशन होते हुए दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पहले क्या प्रेजेंट था हमारे पास? H2, और वो H2 किस में चेंज हो गया है? H2O में। तो H2 में क्या आकर जुड़ गया? ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, तभी तो वाटर में चेंज हुआ है। तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि H2 का ऑक्सीडेशन होकर क्या बन रहा है? वाटर बन रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर हाइड्रोजन का। अब इस हाइड और कैसे पता चली हमें बात? हमें ये ऐसे इसलिए पता चली क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। और ये जो ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, वो दे कौन रहा है? वो आ कहाँ से रही है? वो आ रही है कॉपर ऑक्साइड से। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पहली टाइप ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी कोई भी रिएक्शन जहाँ किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ऐसी रिएक्शंस को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। और वो सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी या तो उसको ऑक्सीजन दे रहा है या उसकी हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, उस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो हैं रिडक्शन रिएक्शंस। ये क्या है? ये जस्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अपोजिट है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। या फिर ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रही थी,
यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहली वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट अगर हो रहा है तो वो है रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जिसमें किसी रिएक्टेंट में हाइड्रोजन ऐड हो रही है या किसी रिएक्टेंट में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये कैसी रिएक्शन है, ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी। तो वही जो पीछे हमने एग्जाम्पल्स देखे थे, एक बार उन्हीं एग्जाम्पल्स को हम एक एक करके फिर से लेकर यहाँ पर देख रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमारे पास एक रिएक्शन थी, टू टू एच टू प्लस ओ टू गिव्स टू आइज एच टू ओ। हम अभी क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि ये जो हाइड्रोजन है ये बन गई है वाटर। तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, वाटर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये तो हो ही रहा है, लेकिन हम इसको इस तरह से भी तो कह सकते हैं, ये ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन चेंज हो गई है किस में, वाटर में। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ऑक्सीजन में ऐड हो रहा है हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन होकर बन रहा है वाटर। कैसे पता चला हमें रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन में ऐड हो रही है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अगर हम हाइड्रोजन की तरफ से देखेंगे तो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन इस ऑक्सीजन का हो रहा है रिडक्शन। ऐसे ही कोई दूसरी रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये भी अभी हमने पीछे देखी थी, कॉपर ऑक्साइड है और वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस के साथ, और हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है कॉपर मेटल, और साथ में हमें मिल रहा है वाटर। तो अभी हमने पीछे क्या बात की थी, हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन ऐड होती हुई दिखाई दे रही है और वाटर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। लेकिन एक काम यहाँ पर और हो रहा है, आप देखेंगे हमारे पास पहले क्या था, कॉपर ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। अब ये चेंज किस में हो गया, सिर्फ कॉपर में, यानी इसमें से ऑक्सीजन हट गई है, रिमूव हो गई है। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है यहाँ हमें दिखाई दे रहा है, इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी क्या हो रहा है यहाँ, रिडक्शन। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म कॉपर मेटल। कैसे हमें पता चला रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ठीक है, अब बात आती है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या था, एक ऐसा सब्सटेंस था जो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है दूसरे सब्सटेंस में या उसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है। सेम ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो दूसरे सब्सटेंस को हाइड्रोजन दे रहा है या उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो जैसे अगर हम इस पहले रिएक्शन में देखें, ये ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन ऐड अप हो गई, तो हम कह रहे हैं इसका रिडक्शन हो गया। तो इसको रिड्यूस किसने किया, कौन था वो जिसने, कौन सा केमिकल था वो जिसने इसको हाइड्रोजन दी, जिसने इसमें हाइड्रोजन ऐड की, वो है कौन सा सब्सटेंस, ये जो हमें दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन। तो इस हाइड्रोजन को हम क्या बोलेंगे, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, ये ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड अप कर रहा है। ऐसे ही सेकेंड वाली रिएक्शन में अगर आप देखें, तो कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन टू फॉर्म कॉपर। रिडक्शन हो रहा है ये हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो ये ऑक्सीजन कौन रिमूव कर रहा है, कौन है जो इस ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड में से हटा रहा है, वो है ये H2, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है, H2 चेंज हो गया है H2O में। तो इसने क्या किया है, कॉपर ऑक्साइड की ऑक्सीजन को ले लिया है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये क्या है यहाँ पर, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, इसे हम बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। क्यों, क्योंकि ये कॉपर ऑक्साइड को रिड्यूस कर रहा है और कॉपर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे पास है H2S, H2S गैस है और वो रिएक्ट कर रही है आयोडीन के साथ, आयोडीन गैस के साथ में रिएक्ट कर रही है, और क्या बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में सल्फर अलग हो रहा है। तो बैलेंस अगर हम करेंगे तो यहाँ हमें एक टू लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास क्या था, आयोडीन था I2, और वो चेंज किस में हो गया, वो चेंज हो गया हाइड्रोजन आयोडाइड में।
तो यानी इस आयोडीन में इस हाइड्रोजन का हो रहा है एडिशन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यानी रिडक्शन। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि आयोडीन का रिडक्शन हो रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड। आयोडीन रिड्यूस हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए। कैसे हमें पता चला है रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रही है आयोडीन में। इस आयोडीन में जो हाइड्रोजन ऐड हो रही है वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है यहाँ से H2S से। H2S ने अपनी हाइड्रोजन इसको दे दिए ताकि ये हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाए। तो ये H2S क्या है, ये है इस पर्टिकुलर इक्वेशन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। H2S रिड्यूसिंग एजेंट है, वो हाइड्रोजन दे रहा है आयोडीन को, जिसकी वजह से आयोडीन रिड्यूस होकर बना रही है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये है हमारी रिडक्शन रिएक्शंस और रिड्यूसिंग एजेंट। अब अगर आपने इन रिएक्शंस को ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा लगभग वही रिएक्शंस हैं जो हम यहाँ भी, जिनके बारे में हम यहाँ भी बात कर रहे हैं और यहाँ भी बात कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक ही रिएक्शन में कुछ चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और कुछ चीज़ रिड्यूस हो रही है। कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो आपको यहाँ ज़्यादातर रिएक्शंस में क्या दिखाई दे रहा है कि उनमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, दोनों साथ में ही हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसी सारी रिएक्शंस जहाँ पर हमें दिख रहा है कि किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है और साथ ही साथ किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन भी हो रहा है, उन्हें हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। रिडॉक्स रिएक्शंस, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ऐसी रिएक्शंस जिसमें किसी का रिडक्शन हो रहा है और किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों काम साथ में हो रहे हैं, उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो वही अपने पिछली हम कुछ इक्वेशंस देखते हैं और एक दो हम नई इक्वेशंस भी यहाँ पर देखते हैं। तो पहली इक्वेशन जो हमने देखी थी, कॉपर ऑक्साइड था सॉलिड, उसे हम रिएक्ट करा रहे थे हाइड्रोजन गैस के साथ और वो बना रहा था सॉलिड कॉपर प्लस लिक्विड वाटर। तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है हमारे पास क्या था, कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड था, वो चेंज हो गया कॉपर में। तो यानी इस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन का रिमूवल यानी इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है किसमें, कॉपर में। तो यहाँ किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन। दूसरी तरफ हमें एक चीज़ यहाँ और दिखाई दे रही है कि ये जो H2 था ये किसमें चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है H2O में, यानी इस हाइड्रोजन में ऑक्सीजन एडअप हो रही है। ऑक्सीजन का एडअप होना यानी ऑक्सीडेशन। तो इस हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हो रही हैं, इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है कॉपर में और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है टू फॉर्म वाटर। तो ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, इसको हम कहेंगे ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अगर कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब इसको रिड्यूस कौन कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है ये जो कॉपर ऑक्साइड के साथ में दूसरा केमिकल प्रेजेंट है यानी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, इसको ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो रिड्यूस हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। और दूसरी कोई इक्वेशन हम यहाँ देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं। तो जैसे हमने क्या लिया, लेड ऑक्साइड लिया और उसको हमने रिएक्ट कराया कार्बन के साथ, तो क्या बना, लेड बना और साथ में बनी कार्बन डाइऑक्साइड। बैलेंस कर लिया इसको तो हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। यहाँ हमें क्या दिखाई दिया, यहाँ हमें दिखाई दिया लेड ऑक्साइड था, चेंज किस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लेड में, यानी इसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो लेड ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है लेड ऑक्साइड का। और साथ ही साथ हमें एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये जो कार्बन था ये किस में चेंज हो गया है, ये चेंज हो गया है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी इसमें ऑक्सीजन एडअप हो गई है। तो इस कार्बन का क्या हो रहा है, साथ ही साथ इस कार्बन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है।
एक ही रिएक्शन में लेड ऑक्साइड का हो रहा है रिडक्शन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये रिएक्शन भी कैसी रिएक्शन है? ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। और कोई नई नया एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास है Fe2O3, आयरन ऑक्साइड है, और उसको हम रिएक्ट करा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ। तो एल्यूमिनियम तो क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, तो ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, इस आयरन को यहाँ से इसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, और ये आयरन हो जाएगा अलग। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं इसको, ऐसे कुछ ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है आयरन ऑक्साइड था और वो चेंज किस में हो गया, वो चेंज हो गया आयरन में, यानी उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो गई। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन। और साथ ही साथ हमें यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि पहले क्या था हमारे पास, एल्यूमिनियम था, और वो एल्यूमिनियम चेंज किस में हो गया, वो चेंज हो गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। तो एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड अप हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी इसका क्या हो रहा है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड का तो रिडक्शन हो रहा है और एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एक ऐसी रिएक्शन है, ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब ये रिएक्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो रिएक्शन है रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमें दिख रहा है क्योंकि कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक रिएक्शन है तो एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन एक ही टाइप की होगी, हो सकता है वो अलग अलग टाइप्स की भी हो, जैसे ये रिडॉक्स भी है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। हो सकता है कोई रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ऐसा नहीं है कि एक टाइप ऑफ कोई रिएक्शन आपको दिए तो वो एक ही टाइप ऑफ रिएक्शन हो सकती है, हो सकता है वो कई अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग कर रहे हो। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या हो गई, ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे जो दूसरा वाला है जो इसको ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उससे दूसरा वाला जो इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे इस रिएक्शन में हमें दिख रहा है एल्यूमिनियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है एल्यूमिनियम को, ये कर रहा है, तो ये है यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही हमें दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया यहाँ पर आयरन ऑक्साइड। और आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो इसकी ऑक्सीजन को कौन ले रहा है, इसकी ऑक्सीजन को एल्यूमिनियम ले रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शंस। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ, हमें अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहाँ होते हुए दिखाई दे रही हैं, कैसे होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो हमें अपने आसपास दो ऐसे फिनोमिना होते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल में ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हो रही हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि ये, मतलब हमें जब तक आप इसे पढ़ोगे नहीं तब तक आपको पता नहीं है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। तो वो दो प्रोसेसेस क्या हैं, वो है पहला है कोरोजन और दूसरी है रेंसिडिटी। तो इसमें से हम पहले के बारे में बात करते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें किसी मेटल का ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई मेटल धीरे 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 डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, या जो मॉइस्चर यानी वाटर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में उसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, या किसी एसिड के साथ में वो रिएक्ट कर रहा है। तो कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ या एसिड के साथ या ऐसे किसी और केमिकल के साथ में रिएक्ट कर रहा है धीरे धीरे, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता चला जा रहा है, धीरे धीरे ख़त्म होता चला जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। तो ये कोरोजन अपने अपने आसपास बहुत देखा है, इसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो आप हमेशा से देखते आए हो वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये किसका एग्जाम्पल है, ये कोरोजन का ही एग्जाम्पल है। आयरन का कोरोजन हो रहा है तो उसी का दूसरा नाम है रस्टिंग,
ठीक है, तो रस्टिंग हम किसे कहते हैं? कोरोजन ऑफ आयरन को। होता क्या है, यहाँ पर आपके पास कोई आयरन का आर्टिकल है, कोई आयरन की अलमीरा है, आयरन की कुछ कुछ और चीज़ है, आयरन की आपके गेट, घर के बाहर आयरन का गेट लगा हुआ है, या कोई शिप है आयरन का बना हुआ है, या ब्रिज है आयरन का बना हुआ है, बिल्डिंग में कहीं आयरन का बनी हुई चीज़ें हैं। तो होता क्या है, ये आयरन हमें पता है एटमोसफेयर को एक्सपोज है, तो एयर के भी कांटेक्ट में है, मॉइस्चर के भी कांटेक्ट में है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आयरन रिएक्ट करता रहता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में, और साथ में जो एटमॉस्फेयर में वाटर प्रेजेंट है उसके साथ में, और बनाता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। ठीक है, क्या है, ये है आयरन ऑक्साइड। इसी आयरन ऑक्साइड को हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या होता है, जंग लगना कहते हैं, जिसको जंग लग गया इन चीज़ों पर, वही है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन ऑक्साइड वो फॉर्म करता है। इसको हम थोड़ा सा अगर बैलेंस करें तो आयरन ऑक्साइड एक्चुअली में साथ में क्या प्रेजेंट है, इसमें एक्स मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है H2O के। ये टू मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वन मॉलिक्यूल, थ्री मॉलिक्यूल, फोर मॉलिक्यूल, कितने भी हो सकते हैं। और यहाँ पर किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, एक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, 3O2, 4Fe और 2Fe2O3। सब बैलेंस हो गया, आयरन हो गए 4, ऑक्सीजन हो गए यहाँ पर 6 यहाँ पर, और एक्स ऑक्सीजन यहाँ पर, और हाइड्रोजन हो गए 2X। ठीक है, तो ये जो आयरन की चीज़ें हैं, इनमें जो आयरन प्रेजेंट है, ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करके बनाता है आयरन ऑक्साइड, जिसे इसी का दूसरा नाम है रस्ट। कैसा कलर होता है ये? रेडिश ब्राउन कलर का होता है। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा घरों में आयरन के आर्टिकल्स के ऊपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन लेयर बन जाती है, परतें बन जाती हैं, और वो परत धीरे 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 फिर वो रिमूव होती रहती है। तो उससे होता क्या है, धीरे धीरे हमारे आर्टिकल में से, हमारे जो भी हमारा सब्सटेंस है, अलमीरा है या कुछ भी है, उसमें से आयरन कम होता चला जाता है, और वो चीज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है, और फाइनली वो टूट जाती है या उसमें होल्स हो जाते हैं। तो वही है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन यानी कोरोजन ऑफ आयरन, यानी आयरन का चेंज हो जाना आयरन ऑक्साइड में, जो कि एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, किसके साथ में रिएक्ट करके, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ में रिएक्ट करके, और आयरन के ऊपर बन जाना एक रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग, जो कि फिर लेयर की फॉर्म में रिमूव होती रहती है। ये तो है रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ही अगर हम, आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई कॉपर की चीज़ है, तो कॉपर की चीज़ें भी कोरोड हो जाती हैं। कोरोड हो जाती है मतलब उनका भी कोरोजन हो जाता है। तो यहाँ अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, कोरोजन ऑफ कॉपर के बारे में, कॉपर का कोरोजन कैसे होता है, कोरोजन ऑफ कॉपर, कोरोजन ऑफ कॉपर। तो कॉपर के आर्टिकल्स भी अगर आपने देखा होगा घर में, आपके कॉपर की कोई चीज़ होगी, टाइम के साथ कुछ सालों तक जब वो रखी रहती है तो उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ये क्यों आती है? क्योंकि ये जो कॉपर है ये धीरे धीरे रिएक्ट करता रहता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, मॉइस्चर के साथ, और साथ में जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसके साथ में रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, CuOH2 डॉट CuCO3। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट नाम का कंपाउंड ये फॉर्म कर देता है, और ये जो कंपाउंड है ये होता है ग्रीन इन कलर, कलर में ये ग्रीन होता है। तो आपको क्या दिखाई देता है, कार्बन कॉपर की चीज़ें जो आपके पास रखी हुई हैं वो कुछ सालों के बाद उन पर ग्रीन कलर की कोई लेयर डिपॉजिट हो जाती है, वही है कोरोजन ऑफ कॉपर। ऐसे ही कॉपर के साथ में आपने सिल्वर का भी कोरोजन होता हुआ देखा होगा, सिल्वर की जो ज्वेलरी होती है या और कुछ चीज़ें होती हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे ब्लैक होती रहती हैं, रखे रखे वो काली पड़ जाती हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर का कोरोजन हो रहा है। सिल्वर का कोरोजन कैसे होता है, सिल्वर के जो आर्टिकल्स हैं वो रखे रखे रिएक्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ, और पहले बनाते हैं वो सिल्वर ऑक्साइड। फिर जब ये सिल्वर ऑक्साइड बन जाता है, ये एक बैलेंस कर लेते हैं, इसको क्या होगा, 2 ऑक्सीजन, ये थोड़ा सा गलत हो गया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए 4,
प्लस ओटो गिव्स ट्वाइस Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड बन गया। अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड है, अब ये फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ में? एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के ट्रेसेस एटमॉस्फेयर में हमारे प्रेजेंट रहते हैं, बहुत कम अमाउंट में ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है, और बना देता है सिल्वर सल्फाइड और साथ में वाटर फॉर्म होता है। ये जो सिल्वर सल्फाइड है, यही है ब्लैक कलर का कंपाउंड। तो इसका कलर क्या है? ब्लैक इन कलर। यही हमें सिल्वर के आर्टिकल्स पर डिपॉजिट होता हुआ दिखाई देता है। तो सिल्वर का चेंज हो जाना सिल्वर सल्फाइड में किसके साथ रिएक्ट करके? ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जिससे कि सिल्वर टाइम के साथ में ब्लैक इन कलर हो जाती है, उसे हम कहते हैं कोरोजन ऑफ सिल्वर। ऐसे कोरोजन कॉपर कॉपर के जो आर्टिकल्स हैं उन पर एक ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाना, वो ग्रीन कलर की लेयर किसकी है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की। किसके साथ में रिएक्ट करके हो रहा है ये? ऑक्सीजन वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करके ये सब हो रहा है। ऐसे आयरन का कोरोजन यानी रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में? ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में, और बना रहा है आयरन ऑक्साइड, जिसको हम रस्ट भी कहते हैं, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो ये हो गया कोरोजन, जो हमें अपने आसपास बहुत होता हुआ दिखाई देता है। अब इस कोरोजन के तो हमें बहुत सारे नुकसान दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेटल की जो भी चीज़ें आसपास हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें मेटल की, बिल्डिंग्स में मेटल यूज़ होता है, शिप मेटल के बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, और बहुत सारे घर के आर्टिकल्स जो हम यूज़ करते हैं वो मेटल के ही बने हुए होते हैं। तो अगर वो कोरोड हो जाएंगे तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएंगे, धीरे धीरे वो वीक हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, हमारे काम के नहीं रहेंगे। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है इस कोरोजन को प्रिवेंट करने की, इसको रोकने की हमें ज़रूरत है। कैसे कैसे हम इसको रोक सकते हैं? पहली चीज़, पेंटिंग, ऑयलिंग या ग्रीसिंग, जो भी हमारा आयरन का आर्टिकल है हम उसको पेंट कर दें या ऑयल लगा दें उस पर या ग्रीस लगा दें, तो उससे क्या होगा कि हमारे आर्टिकल के ऊपर जब पेंट की या ग्रीस की या ऑयल की लेयर बन जाएगी, एक लेयर बन गई यहाँ पर, लेयर ऑफ ऑयल या पेंट या ग्रीस, तो क्या होगा? अब हमारा जो अंदर का आयरन का आर्टिकल है ये एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ना तो ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ना ही ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, और इसका कोरोजन नहीं होगा, बच जाएगा कोरोजन से। दूसरा तरीका क्या है? अलॉयिंग। अलॉय क्या होते हैं? हमने कोई मेटल लिया अपना और उसको दूसरे मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ में मिक्स करके जो बनाया उसे हम अलॉय कहते हैं। तो अगर हम, जैसे आयरन है हमारे पास, तो आयरन को हम मिक्स कर दें, आयरन में हम मिक्स कर दें निकिल, उसमें मिक्स कर दें क्रोमियम, और उसमें मिक्स कर देते हैं कार्बन, तो हमारे पास एक अलॉय बन जाता है, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील तो आपने नाम भी सुना होगा, घर में जो आपके बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं, और आपने देखा होगा वो कितना भी आप उसको पानी में रखो उनमें कोई रस्टिंग नहीं होती। तो स्टेनलेस स्टील, ये जो हमने एलॉय बना दिया, ये क्या है? आयरन का एक एलॉय है, एलॉय ऑफ आयरन। कैसे बनाया है? हमने इसको निकिल क्रोमियम इन मेटल्स के साथ में और कार्बन इस नॉन मेटल के साथ में मिक्स करके एलॉय बनाया है। तो एलॉय की प्रॉपर्टी ओरिजिनल मेटल की प्रॉपर्टी से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये आयरन, अगर सिर्फ आयरन का आर्टिकल होता तो उसमें तो कोरोजन होता, रस्टिंग होती, लेकिन स्टेनलेस स्टील जब हमने उसको बना दिया, अब इसमें कोई रस्टिंग नहीं होती है, तो कोरोजन से हम कैसे बचा सकते हैं और एलॉइंग करके भी बचा सकते हैं। फिर आता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या है? हमने अपने आर्टिकल के ऊपर एक जिंक की कोटिंग चढ़ा दी, जिंक की लेयर चढ़ा दी। कैसे? हमारा आर्टिकल था कोई आयरन का ही था सपोज कीजिए, तो हमने क्या किया, उसको डिप किया मोल्टन जिंक में। मोल्टन यानी पिघले हुए जिंक में हमने इसको डिप कर दिया और फिर बाहर निकाल लिया, तो हमारे आयरन के ऊपर एक जिंक की लेयर यहाँ पर चढ़ गई, जिंक कोटिंग यहाँ पर एक फॉर्म हो गई। तो अब हमारा आयरन सेफ हो गया, अब ये ना तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा ना ही वाटर के कांटेक्ट में आएगा, तो इसका कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन यानी एक मेटल के ऊपर जिंक की कोटिंग चढ़ा देना। फिर आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
अब ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ये भी काफ़ी हद तक इसी के जैसा है कि इस पर चीज़ में कि एक मेटल के ऊपर हम दूसरे मेटल की कोटिंग इसमें चढ़ा रहे हैं, तो कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। अंतर क्या है इसमें, हम मोल्टन मेटल में उसको डिप नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग हम यहाँ पर चढ़ाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके जो हमने पीछे प्रोसेस पढ़ा था आपको याद होगा इलेक्ट्रोलिसिस, उसी तरह का प्रोसेस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस मेटल को पे हमें कोटिंग चढ़ानी है उसको हम बना देते हैं कैथोड, और जिस मेटल की कोटिंग चढ़ानी है उसको हम बना देते हैं एनोड। और जब हम यहाँ पर करंट पास करते हैं तो इस मेटल के आयंस निकलकर और इस मेटल पर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करके, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम एक मेटल पर दूसरे मेटल की जब कोटिंग चढ़ाते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, हम गोल्ड प्लेटिंग कर सकते हैं। गोल्ड प्लेटिंग यानी हमने किसी आर्टिकल के ऊपर, किसी दूसरे मेटल के ऊपर हमने गोल्ड की प्लेटिंग चढ़ा दी, गोल्ड प्लेटिंग। या क्या कर सकते हैं, सिल्वर प्लेटिंग हम करते हैं। आपने देखी होंगी घर में भी आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, है ना, या टिन प्लेटेड, या क्रोमियम प्लेटिंग, या क्रोम प्लेटिंग जिसे हम कहते हैं, क्रोम प्लेटिंग भी हम करते हैं। क्रोम प्लेटिंग, इसमें क्रोमियम की लेयर हम इस पर चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रो प्लेटिंग। क्या किया हमने यहाँ पर इलेक्ट्रो प्लेटिंग में, हमने प्लेटिंग कर दो इसको, गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करके एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की कोटिंग हमने चढ़ा दी। ये जो मेटल हमारा यहाँ पर था जिस पर हमें कोटिंग चढ़ानी थी उसको हमने बना दिया कैथोड, और जिस मेटल की हमें कोटिंग चढ़ानी थी, जैसे ये सिल्वर की कोटिंग या क्रोमियम की कोटिंग हमें चढ़ानी थी, उसको हम बना देते हैं एनोड, और करंट पास करते हैं, करंट पास करते हैं तो ये जो सिल्वर है या जो भी दूसरा मेटल है ये डिपॉजिट हो जाता है हमारे मेटल के ऊपर। इसी तरह का एक और प्रोसेस है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में हम क्या करते हैं, हम कोटिंग चढ़ाते हैं यहाँ पर मेटल ऑक्साइड की, कोटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड। जो मेटल हमारे पास है जिसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसी मेटल के ऑक्साइड की लेयर हम उस मेटल पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर भी हम कैसे चढ़ा रहे हैं इसको, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके ही हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ भी बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोलिसिस ही यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन उस इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करके हम मेटल पर मेटल के ऑक्साइड की कोटिंग चढ़ा रहे हैं। तो यह हम करते हैं, जैसे हमारा मेटल है एल्यूमिनियम, हमें इस पर चढ़ानी है ऑक्सीजन की कोटिंग, तो इसको हम क्या बना देंगे, हम इसको इस बार बनाएंगे एनोड। ठीक है, कोई और हम यहाँ पर रखेंगे अपना कैथोड, करंट वरंट पास करेंगे, और जब करंट पास करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर इस तरह का कुछ सॉल्यूशन हम लेंगे कि ये ऑक्सीजन आयन्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो, वो ऑक्सीजन इसके साथ में यहाँ पर रिएक्ट करेगी और एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाएगी। बीच में हमारे पास क्या मेटल था, ये था एल्यूमिनियम। अब होगा क्या इससे फ़ायदा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक बार इसके ऊपर लेयर जब चढ़ गई तो ये जो अंदर का मेटल है ये अब एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो ये अंदर का मेटल अब हमारा सेफ हो जाएगा, ये कोरोड नहीं होगा। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन के केस में देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन रखा रहता है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, तो अब वो रेडिली ऑक्सीजन के साथ में फिर फर्दर रिएक्ट नहीं करता। ऐसे ही एल्यूमिनियम के ऊपर अगर हमने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी सी लेयर बना दी है तो अब ये फर्दर और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा और हमारा मेटल सेफ हो जाएगा। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं, पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग। ये तो सिंपल, पेंट की लेयर चढ़ा दी है, ऑयल की लेयर या ग्रीस की लेयर, ताकि हमारा जो मेटेरियल है, मेटल जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में ना आए। एलॉइंग, अपने मेटल में हमने दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स मिला दिए और एक नया एलॉय बना दिया जो कोरोड नहीं होता। गैल्वनाइजेशन यानी मोल्टन पिघले हुए जिंक में उसको डिप करके निकाल लिया ताकि उसके ऊपर एक जिंक की कोटिंग आ गई और हमारा मेटल सेफ हो गया।
इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके हमने किसी दूसरे मेटल की प्लेटिंग कोटिंग अपने मेटल पर चढ़ा दी, गोल्ड की कोटिंग चढ़ा दी या सिल्वर की कोटिंग चढ़ा दी या क्रोमियम की कोटिंग चढ़ा दी, जिससे हमारा मेटल सेफ हो गया। एनोडाइजिंग यानी हमने जिस मेटल को हमें सेव करना था उसी मेटल के ऑक्साइड की लेयर हमने उस मेटल पर चढ़ा दी इलेक्ट्रोलिसिस को यूज करके। तो जब तक उसके ऊपर वो ऑक्साइड की लेयर है तब तक वो फर्दर और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा और हमारा मेटल सेफ हो जाएगा, अब वो कोरोड नहीं होगा। ये तो था कोरोजन। ऐसे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हमें अपने आसपास एवरीडे लाइफ में दिखाई देती हैं। दूसरी चीज़, दूसरी तरह की ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, आपने देखा होगा बटर है या कोई और फैटी सब्सटेंस है, चिप्स हैं, इस तरह की कोई भी खाने की चीज़ है जिसमें फैट और ऑयल प्रेजेंट है, तो आप उसको कुछ दिन रखकर छोड़ देते हैं तो क्या होता है उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट आने लगता है, गंदी सी स्मेल और गंदा सा टेस्ट उसमें आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो फैट्स और ऑयल्स प्रेजेंट हैं वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं और उनका हो जाता है ऑक्सीडेशन। और जब इनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो ये और नई तरह के केमिकल्स बनाते हैं। जनरली क्या बनाते हैं? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम कार्बनहाइड्रेट्स कंपाउंड्स पढ़ेंगे। इस तरह के कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं जो स्मेल में और टेस्ट में अनप्लीजेंट होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट इन फूड प्रोड्यूसिंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है, फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड जब ऑक्सीडाइज होता है और जिसकी वजह से उसका स्मेल और टेस्ट खराब हो जाते हैं वो खाने के लायक नहीं रहता, इसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो हमें तो ये रेंसिडिटी भी नहीं चाहिए, ये हमारी खाने की चीज़ों को खराब कर रही है। इसको हम प्रिवेंट कैसे करें, उसके भी कुछ तरीके होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन यानी फ्रिज में रख दो चीज़ों को, रेफ्रिजरेट कर दो। उससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं तो टेम्परेचर कैसा हो जाता है, लो टेम्परेचर होता है और ज़्यादातर रिएक्शंस लो टेम्परेचर पर स्लो हो जाती हैं। तो रिएक्शन कैसी हो जाती है हमारी, ये जो रेंसिडिटी की रिएक्शन है, जो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है, ये हो जाती है स्लो, रिएक्शन बिकम्स स्लो। तो जल्दी से हमारी चीज़ें खराब नहीं होती, तो लो टेम्परेचर पर, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्लो हो जाती हैं तो इसलिए हमारी चीज़ें फिर जल्दी से खराब नहीं होती। तो रेफ्रिजरेशन हम कर सकते हैं यानी फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में रखें हम अपने फूड मटेरियल को। उससे क्या होगा, जब एयर टाइट कंटेनर होगा, एयर टाइट कंटेनर में आपने चीज़ों को रखा हुआ है तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो हमारा खाना ज़्यादा टाइम तक सेफ रहेगा। या फिर हम उसको जब पैक कर रहे हैं तो नाइट्रोजन गैस में पैक करें। अब नाइट्रोजन गैस में क्या स्पेशल बात है, नाइट्रोजन गैस एक इनएक्टिव गैस है। इनएक्टिव यानी ये जल्दी से किसी के साथ में भी रिएक्ट नहीं करती, तो बहुत कम रिएक्टिव है ये, ना के बराबर रिएक्टिव है, बहुत कम चीज़ों के साथ में ये रिएक्ट करती है। जबकि ऑक्सीजन तो बहुत रिएक्टिव है, ऑक्सीजन तो बहुत सारी चीज़ों के साथ में रिएक्ट करती है। तो सपोज़ कीजिए जैसे हमारे पास चिप्स के पैकेट हैं, तो चिप्स के पैकेट में आपको पता है एयर भरी हुई होती है, अगर उसमें एयर हम फिल करेंगे तो एयर में तो प्रेजेंट होगी क्या, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। अब एयर में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो हमारे चिप्स में प्रेजेंट फैट और ऑयल के साथ रिएक्ट करेगी, उसको ऑक्सीडाइज कर देगी, तो ये कैसे हो जाएंगे, खराब। लेकिन अगर हम अपने चिप्स के पैकेट्स में, ये चिप्स के पैकेट है हमारे पास, इसमें भर दें नाइट्रोजन गैस, इसमें एयर नहीं भर के हम नाइट्रोजन गैस भर दें, तो ये नाइट्रोजन तो हमारे फैट और ऑयल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी, तो हमारे जो चिप्स हैं वो सेफ रहेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे चिप्स के पैकेट हैं या और चीज़ों के पैकेट्स हैं, उसमें एयर फिल करने के बजाय हम उसमें फिल करेंगे नाइट्रोजन गैस, जो कि इनएक्टिव गैस है, तो वो फैट और ऑयल के साथ में रिएक्ट नहीं करेगी और कोई ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से रेंसिडिटी भी नहीं होगी। ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। ये सब्सटेंसेस अगर हम खाने की चीज़ में ऐड कर देते हैं तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोक देते हैं। जैसे विटामिन सी हमने डाल दिया अगर अपनी खाने की चीज़ों में, या एक कंपाउंड होता है BHA जिसका पूरा नाम क्या है, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल,
इसको अगर हम अपने खाने की चीज़ों में ऐड कर देते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ये प्रिवेंट कर देता है, रोक देता है। ऑक्सीडेशन नहीं होता तो फैट्स और ऑयल्स हमारे सही रहते हैं, जिसकी वजह से अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट प्रोड्यूस नहीं होता, तो हमारी चीज़ें रेंसिड नहीं होती, उनमें रेंसिडिटी कॉज नहीं होती। ठीक है, तो रेंसिडिटी क्या है? फैट्स और ऑयल्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमारे खाने में जो फैट्स एंड ऑयल्स प्रेजेंट है उनका ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमारा फूड स्पॉइल हो गया है। इसको रोकने के तरीके क्या हैं? आप उसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, या नाइट्रोजन गैस से पैक पैक कर सकते हैं, या उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर इसी के साथ में चैप्टर वन जो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरा हो रहा है। तो आज हमने क्या-क्या पढ़ा, एक बार उसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने देखी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ये वो रिएक्शंस हैं जिनमें किसी सब्सटेंस में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है या किसी सब्सटेंस में से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है। वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन दे रहा है या उसमें से हाइड्रोजन ले रहा है, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जिनमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, उन्हें हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस को या तो हाइड्रोजन दे रहा है या दूसरे सब्सटेंस में से ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो जनरली क्या होता है, रिएक्शंस में ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ में ही होते हैं। एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, साथ में हो रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, उससे जो दूसरा रिएक्टेंट यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिस रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा है उसके साथ में जो दूसरा रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। फिर हमने बात की एवरीडे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस किस तरह की होते हुए देख रहे हैं। तो हम देख रहे हैं अपने चारों तरफ, एक तो कोरोजन होते हुए, दूसरा रेंसिडिटी होते हुए। कोरोजन का मतलब क्या है? कोई मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके या किसी एसिड के साथ या और किसी सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करके ग्रेजुअली डिस्ट्रॉय हो रहा है, धीरे धीरे उसका डिस्ट्रक्शन होता जा रहा है। कोरोजन ऑफ आयरन को हम रस्टिंग भी कहते हैं। तो आयरन ऑक्सीजन और वाटर मॉइस्चर के साथ में रिएक्ट करके बनाता है आयरन ऑक्साइड, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। इसकी लेयर्स धीरे धीरे हमारे सब्सटेंस पर से, हमारे मटेरियल पर से उतरती रहती है, और हमारा जो भी आयरन का आर्टिकल है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाता है, उसमें से आयरन का लॉस हो जाता है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा हमने देखा कोरोजन ऑफ कॉपर। कॉपर के जो आर्टिकल्स हैं अगर वो रखे रहते हैं लंबे टाइम तक, तो ऑक्सीजन के साथ में, वाटर के साथ में और CO2 के साथ में रिएक्ट करके बनाते हैं बेसिक कार्बन, बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जो कि ग्रीन कलर का कंपाउंड है। तो हम देखते हैं कि कॉपर के आर्टिकल्स के ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, ठीक है, जिससे कॉपर के आर्टिकल्स धीरे धीरे खराब होने शुरू हो जाते हैं। कोरोजन ऑफ सिल्वर, सिल्वर रिएक्ट करता है रखे रखे ऑक्सीजन के साथ में और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसके साथ में, और बनाता है सिल्वर सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो सिल्वर के आर्टिकल्स पर रखे रखे ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है और धीरे धीरे वो सिल्वर के आर्टिकल्स कोरोड होना, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। इसके बाद हमने देखा था कोरोजन को प्रिवेंट कैसे करें, तो पेंट कर सकते हैं या ऑयलिंग कर सकते हैं या ग्रीसिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो आर्टिकल है वो ऑक्सीजन के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में ना आए, या अलॉइंग कर सकते हैं। अलॉइंग यानी अपने मेटल में दूसरे मेटल्स और नॉन मेटल्स को मिलाकर हम कोई नया अलॉय बना सकते हैं, जिसके कि जो कि कोरोड नहीं होता है। गैल्वनाइजेशन यानी कोटिंग की, जिंक की कोटिंग चढ़ा सकते हैं उस पर, अपने आर्टिकल को मोल्टन जिंक में डिप किया और बाहर निकाल लिया, जिंक की कोटिंग इस पर रहेगी तो हमारा मटेरियल, हमारा जो मेटल है वो सेफ हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी किसी
अपने मेटल पर हमें जिसे सेव करना है उस पर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ करके किसी दूसरे मेटल की कोटिंग हम चढ़ा सकते हैं। गोल्ड की कोटिंग, सिल्वर की कोटिंग या क्रोमियम की कोटिंग हम उस पर चढ़ा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग। गोल्ड की कोटिंग चढ़ा रहे हैं तो गोल्ड प्लेटिंग, सिल्वर की कोटिंग चढ़ा रहे हैं सिल्वर प्लेटिंग, क्रोमियम की प्लेटिंग चढ़ा रहे हैं कोटिंग चढ़ा रहे हैं तो क्रोम प्लेटिंग। ठीक है, एनोडाइजिंग, इसमें हम क्या करते हैं, जिस मेटल को हमें बचाना है कोरोजन से, कोरोड होने से बचाना है, उसके ही ऑक्साइड की कोटिंग हम उसके ऊपर चढ़ा देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को यूज़ करके। और जब तक उसके ऑक्साइड की कोटिंग उसके ऊपर प्रेजेंट है तो ये फर्दर और ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करता और हमारा मेटल सेफ हो जाता है। रेंसिडिटी क्या है, फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड को अगर हम रखे रखते हैं तो धीरे धीरे वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऐसे केमिकल्स बन जाते हैं जो उसमें अनप्लीजेंट स्मेल और टेस्ट प्रोड्यूस कर देते हैं, अब वो खाने के लायक नहीं रहता। इसी को हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को रोकने के लिए हम अपने मटेरियल को, अपने फूड मटेरियल को रेफ्रिजरेट कर सकते हैं क्योंकि कम टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस स्लो हो जाती हैं, धीरे होती हैं, तो हमारा खाना ज़्यादा टाइम तक ठीक रहता है। या हम अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर में अगर हम उसको रख देंगे तो भी क्या होगा, वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं, जैसे चिप्स के पैकेट हैं या खाने की चीज़ों के और पैक्ड चीज़ें हैं तो उसमें हम एयर फिल करने के बजाय उसमें नाइट्रोजन गैस हम फिल कर सकते हैं। नाइट्रोजन गैस क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव गैस है तो इसीलिए वो फैट और ऑयल के साथ में रिएक्ट नहीं करती और हमारा खाना सेफ रहता है। या फिर हम अपने खाने की चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन सी या BHA ऐड कर सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स जब तक उसमें प्रेजेंट हैं तब तक ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को होने नहीं देते। ठीक है, तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस जो हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे, करके देखेंगे उन्हें और इसको पूरे को चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके देन, बाय, टेक केयर।